नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू दवा, जो कि आप इजीली बना सकेंगे और कंज्यूम कर सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है, बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या और थोड़ी गंभीर होती जाती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं, बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ या उपाय मौजूद हैं जो कि आपको इस समस्या से निजात दिलाने में सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए सामग्री है दोस्तों कुछ इस तरह से है, 200 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, 2 बड़े नींबू और 5 सफेदे के पत्ते। और इसकी विधि इस तरह से है, नींबू का छिलका उतार लें और छिलके को गिलास जार में डाल लें। अब इस गिलास जार में ऑलिव ऑयल और सफेदे के पत्ते डालकर इसे ऊपर से बंद कर दें और 2 हफ्तों के लिए छोड़ दें। 2 हफ्तों के बाद इस मिश्रण का थोड़ा सा हिस्सा बैंडेज पर लगाकर प्रभावित जगह पर लगाएं और ऊपर से प्लास्टिक बैग से कवर कर लें और पूरी रात इसे अपना काम करने दें। तो कुछ ही दिनों में आप जब रेगुलरली ये करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने चाहिए। और आप ये जरूर करके देखें, अगर जोड़ों के दर्द से परेशान हैं या आपका कोई परिजन जोड़ों के दर्द से परेशान है, आप इसे ज़रूर करें और करवाएं। और आपको जो भी इसके रिजल्ट्स मिले या आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें।